मन की स्वच्छता से संसार को सुंदर बना, उसमें उजाला कर दे। मैं भी ऐसा लिख सकूंगी कभी? क्यों नहीं, देखो मेरी तरफ देखो, डंडे कपड़े तक ना है मेरे पास पहनने को। झोपड़ पट्टी में रहती हूँ मैं, झोपड़ पट्टी में। कोई ऐसा काम जिसमें चैलेंज हो, थ्रिल हो और साथ ही साथ किसी का भला हो जाए। दूर नहीं है शहर, संघर्ष कर, बस थोड़ी सी ही रात बाकी है। एक किरण जो रोज मेरे सिराहने आकर ठहर जाती है, नाम है आशा। कानों में चुपके से कह देती है, अभी अभी मिलकर आ रही हूं मैं भयभीत दिशाओं से। दूर नहीं है शहर, संघर्ष कर, बस थोड़ी सी ही रात बाकी है। सुंदर, बहुत सुंदर कविता है तुम्हारी। सुनो, छोड़ो मुझे, बैठ जाओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा और ना ही मैं तुम्हें तंग करने के इरादे से यहां आया हूं। प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं यहां रोज आता हूं, खोजता हूं तुम्हें, लेकिन तुम मिलती ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा, बोलो ना, क्या नाम है तुम्हारा? राधा। राधा, जितनी सुंदर तुम्हारी कविता है उससे कहीं ज्यादा सुंदर तुम हो, क्या तुम्हें मालूम है? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं गरीब और लाचार लड़की हूं, मुझसे तुम्हें कुछ ना मिलने वाला। ये तुम बार बार क्यों कहती हो? तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे पास क्या है? भगवान ने तुम्हें प्रतिभा दी है, कितनी खूबसूरत कल्पना है तुम्हारी। सच, आज से पहले मैंने कभी इतनी सुंदर कविता नहीं सुनी। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूं। क्यों? Because I love you. हाँ? मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये कभी ना हो सकता। ये हो चुका है। तुम्हारे लिए हर चीज़ खेल है। ये खेल नहीं है। अब तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? तुम जो कुछ भी कह रहे हो ना, वो संभव नहीं है। राधा, इस दुनिया में सब कुछ संभव है। लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों? अब हर क्यों का जवाब नहीं होता। लेकिन इस सवाल का जवाब तुम्हें देना ही होगा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। लेकिन कैसे? अरे कैसे ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल बन गया? अरे अभी हम मिले कितना है, मुश्किल से 3 या 4 बार, और ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल बन गया। इसीलिए तो कह रही हूँ, ये तुम्हारे लिए एक मजाक है। मजाक नहीं है, ये नहीं है मजाक। अच्छा, तुम ही बताओ कि अब ऐसा मैं क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए, बोलो। मुझे ना पता। राधा, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यार वैसे इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं।
दिल का बुरा नहीं है प्रभु। आ गया। हाय गाइस। हेलो। हाय हाय। बैठ यार। मैंने सब पता लगा लिया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। What are you guys up to? फटाफट बता यार। मैं सबके सामने नहीं बता सकता। कुछ लोग जेलस हो जाएंगे। Oh, come on, प्रभु, अब बता भी दे यार। यार लड़कियों की बातें ना लड़कियों के सामने नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं तो वैसे भी जा रही हूँ, मेरे डैड मेरा इंतजार कर रहे हैं। Oh, that's very good, bye bye. तू क्यों पंगे लेता है इससे? हाँ बता, क्या पता लगाया तुमने? उसका नाम राधा है। अबे वो तो मुझे भी मालूम है। आगे बोल। मलाड में जो नई बिल्डिंग बन रही है ना, उसकी पीछे वाली झोपड़पट्टी में रहती है वो। झोपड़पट्टी में? अरे यार, बड़ी ही गंदी और बदबूदार झोपड़पट्टी। मैंने तो पता लगाया और फटाफट भागाया वहां से। यार यार आनंद, बहुत हो गया, अब तू उसका पीछा छोड़। देख, तू अपने आप को देख, अपना स्टैंडर्ड देख। हाँ, ये कहाँ तू एक अनपढ़ लड़की जो एक गंदी सी झोपड़पट्टी में रहती है उसके पीछे पड़ गया। देख, मेरे ख्याल से फौरन उसे भूल जा, भूल जाओ उसे। तुम नहीं समझोगे। क्या नहीं समझेंगे यार, क्या नहीं समझेंगे? यही कि वो कितनी टैलेंटेड है। तो क्या करने का अपुन यार, छोड़ ना यार। बहुत कुछ करने का। क्या करने का? अच्छा एक बात बताओ प्रभु, तुम बताओ कि कॉलेज खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे? यार आनंद, मुझे तो लगता है मैं कॉलेज ही नहीं खत्म कर पाऊंगा यार। क्यों? यार मैं पास नहीं हो पाऊंगा। अच्छा, कॉलेज से निकलने के बाद क्या करोगे? अरे यार, अपने बाप का डिपार्टमेंटल स्टोर काहे के लिए, वहीं जाकर बैठ जाऊंगा और क्या। हाँ, आराम से बैठना और नोट गिनना सारी उम्र, फिर तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे एंड सो ऑन सो ऑन। Obviously यार, शादी तो मैं जरूर करूंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा विकास, तुम क्या करोगे? अपने डैड का फास्ट फूड चेन चलाऊंगा। हाँ, लोगों को अपने रेस्टोरेंट में बने जंक फूड्स खिलाना, उन्हें देखना और नोट गिनना, फिर तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तुम बूढ़े हो जाओगे, बस खत्म। क्या हमारी बस यही जिंदगी? हाँ, मगर तू आखिर कहना क्या चाहता है? इतने दिनों से तेरी एक कंफ्यूजिंग सी बातें सुन रहे हैं, हमारी को समझ में नहीं आ रहा यार। यार मैं एक मिशन शुरू करना चाहता हूँ। कैसा मिशन? जिससे हमारी जिंदगी को एक दिशा मिल सके। यार आनंद, साफ साफ बोल यार, ये पहेलियां मत बुझा यार। हम कुछ ऐसा करें जिससे झोपड़पट्टियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो। शिक्षा के प्रति जागरूकता? वो क्या होती है यार? ये जो तू झोपड़पट्टियों की हालत बता रहा है ना, ये सिर्फ शिक्षा की कमी से है। तो अपन को क्या करने का यार? ये शिक्षा विक्षा देने का काम सरकार का है, उसी को करने दे यार। सिर्फ सरकार का क्यों? हमारा कोई फर्ज नहीं है। वो तो ठीक है, मगर हम ही क्यों करें? दूसरों को करने देना भाई। देख, अपन को क्या करने का? ये जागरूकता वागरूकता की बात अपने बस की बात नहीं है। अगर सब लोग यही सोच लें तो कोई आगे नहीं आएगा कुछ करने के लिए। ए आनंद, जब से तू उस लड़की से मिला ना, तेरा दिमाग सर गिला यार। तू ऐसा कर, आज रात की ट्रेन पकड़ और हगरा पहुंच जा, वही ठीक है तेरे लिए यार। तो तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे? यार कैसे दोस्त हो तुम लोग? ऐसा क्या यार? ए, ए, तू दोस्ती के बारे में कुछ मत बोल, ठीक है? तो मिलाओ हाथ। ये लो। ये हुई ना बात। अच्छा अब ये बता, करना क्या है? ये तो सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। हाँ, ये लेख तुमने अच्छा लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें अपने शब्दों के इस्तेमाल को थोड़ा सुधारना चाहिए। अब आंखों के लिए कितने ही पर्यायवाची शब्द हैं हिंदी में, जैसे नयन, नेत्र, चक्षु इत्यादि, लेकिन किसी भी लेख या कविता में कहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए, यही एक कला है। जी। चल चल जल्दी कर। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, कहाँ से आ रही है भागती हुई? चाची, वो नुक्कड़ पर ना तीन लड़के हैं, वो पता नहीं अजीब सा कोई नाटक जैसे कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। नाटक जैसा? हाँ हाँ, नाटक जैसा। चल ना, बहुत भीड़ जमा है, चल जल्दी कर। चाची मैं जाऊँ? हाँ बेटा जा जा।
से चाची? मैं हूँ मस्त, एकदम मस्त। अबे काम कर अकेला, काम कर, काम काम नहीं करेगा तो नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? मालिक मेरा वेतन बहुत कम है मालिक, और परिवार बहुत बड़ा मालिक, गुजारा नहीं होता, बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाता मालिक। अबे तो मैं क्या करूं हैं? मैंने तेरे परिवार का ठेका ले रखा है क्या हैं? उठो दोस्त, उठो, क्या बात है, बहुत दुख में हो? ये तो वो लड़का है जो उसके नाम मिला था, ये कौन है? तो ठेकेदार तुम्हें बहुत तंग करता है, तुम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं मालिक। तभी क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम्हें कितना वेतन मिलना चाहिए? नहीं मालिक, हमें कुछ भी नहीं पता। ऐसा करो, तुम मुझे अपने घर लेकर चलो। इतना गंदा घर है तुम्हारा, ये तो बीमारी का घर है, बीमारी का घर। तुम रहते कैसे हो इसमें? मैं तो सालों से यही रहता हूँ बाबू, मेरी घरवाली बीमार है। अरे बीमार नहीं होगी तो क्या होगी? अरे नर्क है नर्क, और ये सिर्फ इसलिए है कि तुम अशिक्षित हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि अच्छी जिंदगी कैसे जी जाती है। रो मत दोस्त, रो मत, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी। अबे तू क्या पढ़ाएगा इसे हैं? अबे तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मैं इसे पढ़ने नहीं दूंगा। क्यों नहीं पढ़ने देगा? क्योंकि ये तेरी पोल खोल देगा। मैं इसे पढ़ाऊंगा, और हट जा मेरे रास्ते से। पढ़ा के देख तू इसे, चल हट, हट। तो ये बात है, ये ठेकेदार मुझे कम वेतन देता था, मेरे गवार होने का फायदा उठाता था। अरे ठेकेदार कहाँ है तू, बाहर निकल, कहाँ है तू? क्या बोल रहा है? बताऊं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या करेगा तू? धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, तुमने मेरे दिमाग को खोल दिया, मेरी सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ा दिया। अब मैं अन्याय और बुराई के खिलाफ लड़ सकता हूँ, आवाज उठा सकता हूँ। अब मैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ खरीद सकता हूँ, मैं भी अपने घर को सुंदर बना सकता हूँ, अपनी बीवी का इलाज करा सकता हूँ। धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी जिंदगी स्वर्ग कर दी, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, लेकिन ये मेरा फर्ज था, कल शाम को वहीं पर मिलना, ठीक है? गो। कितना मजा आया था ना नाटक में। हाँ। और वो सब लोग कर भी कितना अच्छा रहे थे। राधा, वो जो लड़का था वो तुझसे कुछ कह रहा था क्या? मुझे क्या मालूम। राधा इधर देख मेरी तरफ। क्या है? अरे देखना, छोड़ मुझे। ए देख गिर पड़ेगी तू। अच्छा सच बता, कल शाम को उसे मिलने जाएगी ना? नहीं। झूठ बोलती है? हाँ इधर आ। झूठ कहाँ बोलती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी उससे मिलने, और वैसे भी वो बहुत अमीर है और मैं गरीब कुंवार। हाँ ये बात तो है,
मगर वो तेरे पीछे पड़ा है राधा। मुझे तो लगता है वो तुझसे बहुत प्यार करता है। नहीं चमेली, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये समाज इसकी इजाजत कभी नहीं देगा। अच्छा एक बात बता, वो आज यहाँ पर कर क्या रहा था? मुझे लगता है कि उसको मेरी कोई बात दिल को लग गई है। जब वो नदी किनारे मिला था तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे बहुत सताया था, और मैंने भी उसे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। तो ये बात है हाँ। लेकिन चमेली, मुझे लगता है कि वो यहाँ को सुधार करना चाहता है, इस झोपड़पट्टी में। सुधार उधार कुछ नहीं करना चाहता, वो तुझे रिझाना चाहता है बस। नहीं भगवान ना करे ऐसा हो। अगर वो सच में यहाँ जागृति लाना चाह रहा है तो भगवान उसे सफल करे। और वैसे भी यहाँ के लोगों को शिक्षा की सख्त जरूरत है। अब बोलना क्या बात है। अरे बैठ तो सही, बैठ बैठ। हाँ अब बता, शाम को क्या हुआ था? शाम को क्या हुआ? शाम को ए राधा की बच्ची, ज्यादा होशियार मत बन, नहीं तो दूंगी एक हाँ। अरे क्या बताऊं, यही शाम को वो मिला था तुझे? मैं गई ही नहीं। तू झूठ बोलती है। नहीं सच। लेकिन क्यों नहीं गई तू? वैसे ही नहीं गई मैं। देख राधा, ये तूने बहुत गलत किया। बेचारा तेरा इंतजार करता रहा होगा वहां पर। अब बोलती क्यों नहीं है, बताना क्यों नहीं गई? किसी को तरसाना अच्छी बात नहीं है, समझी? चमेली मैं नहीं चाहती उससे मिलना। सिर्फ इसलिए कि तू गरीब है और वो अमीर। अरे जब उसको फर्क नहीं पड़ता तो तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? इस चिंगारी को चिंगारी ही रहने देना चाहती हूं मैं। और क्या पता इस चिंगारी की तड़प में वो कुछ ऐसा कर जाए जो यहां के लोगों के लिए वरदान साबित हो। देख राधा, तू क्या सोचती है क्या बोलती है? ये चिंगारी वरदान ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कल जो नाटक खेला था ना उसने यहाँ पे, उसकी कुछ चर्चा तो हुई है यहाँ के लोगों में। मैंने कुछ लोगों को सुना भी था उसके बारे में बातें करते हुए। तो फिर? तो फिर क्या, मैं चाहती हूँ कि वो अभी और कोशिश करे। अगर उसका प्यार सच्चा है तो क्या पता मेरी खातिर वो इस झोपड़पट्टी के लोगों का कुछ भला ही कर जाए। और राधा तू खुद क्या सोचती है उसके बारे में? सच बता राधा, क्या तू उससे प्यार नहीं करती? नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती। मैं नहीं मानती। मैं सबसे पहले कुछ बनना चाहती हूँ अपने जीवन में,
और सब बातों के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। राधा, तू अपने आप को धोखा दे रही है और साथ में उसे। क्यों? अरे मैंने उससे कोई वादा नहीं किया, उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाई। राधा, अपने आप को जानबूझकर तकलीफ देना भी तो गलत है ना राधा। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर तू उसे अपना लेगी ना तो वो तेरी जिंदगी सवार देगा राधा। हाँ देख, तू अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहती है ना, वो सब कुछ वो तेरे लिए करवा देगा। मैं किसी का एहसान लेकर कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, इस झोपड़पट्टी वालों को शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझसे इन लोगों की हालत देखी ही नहीं जाती। केवल एक पढ़े लिखे ना होने की वजह से इन लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। मैं चाहती हूँ कि वो इन सबके लिए वो सब कुछ करे जो वो मेरे लिए कर सकता है। अरे मेरा क्या है, मैं तो अपनी जिंदगी यूं ही गुजार लूंगी। लेकिन अगर आज मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया ना, तो वो सब कुछ भूलकर मुझ में खो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती चमेली, मैं बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा। अच्छा ठीक है राधा, मैं हार गई बस। लेकिन एक बात है, तेरा दिल बहुत बड़ा है राधा, बहुत बड़ा। हाय आनंद। हाय। अरे तुम दोनों आओ बैठ जाओ। अरे ये तो पूरा मजनू हो गया भाई। अबे तू चुप कर, क्या बात है आनंद, तबीयत ठीक नहीं है? ठीक तो हूँ। क्यों? शक्ल देखिए, पूरे 12 बजे हुए हैं। बस ऐसे ही यार। आनंद ये तस्वीर किसकी है भाई? वाओ, अरे ये तो वही लड़की है, क्या पेंटिंग बनाई है यार। आनंद तूने बनाई है क्या? तू तो छुपे रुस्तम निकला है यार, तेरा ये शौक तो हमें मालूम ही नहीं था। अच्छा एक बार बता, तू उस दिन इससे मिलने गया था ना, क्या हुआ, मुलाकात हुई? हो तो ये बात है, तू बोल तो उठा लाए उसे। कभी तो सीरियस रहा कर यार। हाँ आनंद, एक बात कह रहा था मैं कि अगर राधा भी हमारे इस मिशन में शामिल हो जाए तो हमें बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी यार। अरे राधा नहीं, अनुराधा। अनुराधा? वो देख पेंटिंग पर क्या लिखा है। ओ हाँ अनुराधा, तो ये नाम तुमने दिया है इसे। हाँ। हाँ आनंद, तो मैं कह रहा था कि अगर अनुराधा हमारे इस काम में शामिल हो जाए तो हमें कम से कम हमारे काम की प्रोग्रेस का पता तो चलता रहेगा। क्यों? कह तो तू ठीक रहा है, मगर क्या वो आएगी? बात करके देख लेते हैं। बात कौन करेगा? मैं और प्रभु। क्यों? नहीं, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से बात बन जाएगी तो प्लीज कोशिश करो। ओके, यू डोंट वरी यार, कोशिश कर लेते हैं। अरे राधा, तू क्या कर रही है? चल जल्दी घर, घर नहीं चला है, आज तो रात हो गई। चल। वाकई बहुत रात हो गई आज तो, बापू तो चला गया होगा ना। और तुझे जाके डांटेगा, चल जल्दी कर। जी जरा सुनिए। अरे राधा, ये तो वही लोग हैं ना जो उस दिन नुक्कड़ पर नाटक कर रहे थे, खेल खेल रहे थे ना। हाँ हम वही हैं। दरअसल हमें आपसे बहुत जरूरी काम था। जी बोलिए। जी यहाँ? तो फिर कहाँ? वो जो सामने पार्क है ना, वहीं चलते हैं। चलिए। चमेली क्या कर रही है तू? अरे हम कैसे जा सकते हैं, अगर बापू को पता चल गया तो? देखिए सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, असल में हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम चलते हैं। अरे तू डर मत, कुछ नहीं होगा, चल ना राधा, चलिए चलिए चलिए, कुछ नहीं होगा। अरे कोई नहीं, लाड़ी चल चल, देख कितनी दूर से, चल चल। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे तू मत, मैं हूँ ना।
यहाँ बैठते हैं। हाँ हाँ आइए। तो बताइए कौन सा है आपका जरूरी काम? वो दरअसल हम जो काम कर रहे हैं हमें उसमें आपके सहयोग की जरूरत है। किसकी जरूरत है? चुप करना तो। मेरा मतलब है कि आपकी मदद की जरूरत है। ओ मदद? लेकिन वो कैसे? देखिए दरअसल हमने जो नाटक किया था ना आपकी झोपड़पट्टी में, हाँ, हमें ये पता नहीं लग पा रहा कि आपकी झोपड़पट्टी में उसका क्या रिस्पांस है। क्या क्या है? मेरा मतलब रिस्पांस, असर। असर? असर? हाँ हाँ असर, असर बिल्कुल ठीक था। बहुत अच्छा नाटक है, बहुत अच्छा। हाँ हम और भी काफी कुछ करना चाहते हैं वहाँ, और हमें लगता है कि अगर आप हमारा साथ दें तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए आपका तीसरा साथी कहाँ पर है? जी उसकी जरा तबीयत खराब है। तबीयत? हाँ। क्या क्या हुआ उसको? लबेरिया हो गया।